नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीसीएल के बारे में। यस, वही बीसीएल जो एमटीबी पे स्टार्ट हो गया है और काफी लोग उसमें देखने में इंटरेस्टेड भी है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को रूल समझा दिया था, तो जिन लोगों ने रूल नहीं देखा है या नहीं समझा है वो प्लीज आके हमारा कल का वीडियो देख ले, तो आपको रूल प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो अब हम आज की बातें करते हैं कि आज के मैच में कौन कौन सी टीम थी। तो आज के मैच में थे मुंबई वर्सेस चंडीगढ़। अब मुंबई वर्सेस चंडीगढ़ की मैच हो और लड़ाइयां ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उधर एक तरफ से करण पटेल तो एक तरफ से बलराज, और दोनों की लड़ाई ऐसा लग रहा था कि बस लड़ना है उन्हें किसी भी तरह टीआरपी के लिए। तो स्टार्ट तो करण पटेल ही कर रहे थे ऑब्वियसली। आई डोंट नो वो कहाँ से इतना गुस्सा लाते हैं, वो कहाँ से इतनी बातें करते हैं यार। ये सिर्फ एक बीसीएल गेम है जहाँ पे लोग इंटरटेन हो रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं, बट करण पटेल स्टार्टिंग से जो स्टार्ट हुआ है लड़ाई करने में, आई मीन फालतू की बकवास ऑब्वियसली अगर कोई करेगा तो सामने वाला रिएक्ट तो करेगा ही। और यही चीजें हो रही थी, हर बात पे गालियां, हर बात पे गलत वर्ड, हर बात पे कुछ ऐसी चीजें वो बोल रहे थे, और इधर से भी उसे पलटवार मिल भी रहा था, ये चीजें भी हो रही थी। अब चंडीगढ़ टीम की कैप्टन थी बरखा सिंह और इधर के कैप्टन थे मुंबई टाइगर्स के बलराज, लेकिन बरखा सिंह ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कैप्टन है, क्योंकि करण पटेल जिस तरह से लोगों को हैंडल कर रहे थे, तू इधर जा, तू उधर जा, तू ऐसे कर, तू वैसे कर, बेटा तू ऐसे खेल, बेटा तू वैसे खेल, तो ये सारी चीजें जिस तरह से हो रही थी, और बरखा चुपचाप ऐसे। अब कोई कैप्टन ऐसे करेगा तो आप खुद सोचो कि वो कैप्टन है या बाकी का क्या कर रहे हैं, वो बस ऐसे साइलेंट बैठे, और वो कभी करण पटेल को देखती, कभी कुछ करते, बीच बीच में थोड़ा हुटिंग कर दे रही थी। करण ने एक और चीज बोली सुरेश राय को, उसने बोला कि उस समय कीश्वर नहीं थी उनकी वाइफ, तो उन्होंने बोला कि बेटा ना तेरी ईश्वर है ना तेरी कीश्वर है, तो तू तो हारेगा ही। और एक्चुअली जब वो लोग गेम खेल रहे थे तो टॉस की बात करते हैं, जो मैंने आपको नहीं बताई हो, तो टॉस हुआ, टॉस में चंडीगढ़ की टीम जीती, लेकिन उन्होंने बॉलिंग लेना पसंद किया। अब बॉलिंग लिया, चंडीगढ़ टीम ने बहुत अच्छा खेला, 186 टोटल रन बनाए उन्होंने किसी भी तरह करके, लेकिन लड़ाइयां तो चल रही थी, टीआरपी बढ़ रहा था, बहुत सारी चीजें भी हो रही थी। अब एक और चीज हो गई, 86 रन में जो भी उन्होंने बनाया, जब आई बारी चंडीगढ़ टीम की खेलने की, तो उन लोगों ने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा खेला, बट फिर बीच में गड़बड़ 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 गड़बड़, आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट, सब ऐसे ही आउट होते जा रहे थे, और देखा जाए तो मुंबई टीम्स फिर अच्छा खेलने लगी थी। बट जैसे ही ये जब आउट 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 जो हुआ, ये तब हुआ जब कीश्वर की एंट्री हुई, कीश्वर जैसे ही आई सपोर्ट कर रहे सुरेश को, वैसे ही लक साथ दिया और आउट पे आउट, ये चीजें हो गई जो मैंने आपको नहीं बताई थी, जो मैं अब आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद सुरेश ने भी ये चीजें बोली कि बेटा करण पटेल अब मेरी ईश्वर भी है, मेरी कीश्वर भी है मेरे साथ में, अब तू देख ले कैसे खेलते हैं। तो अगर आपको फुल टू एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप 8 से 10 बैठ के बीसीएल देख सकते हैं, और मेरा रिव्यू भी देख सकते हैं, मेरा रिव्यू भी अच्छे होते हैं, और आप लोग देखिए उसको, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बातें करते हैं मैच की। तो मैच में फिर से हुआ वो चंडीगढ़ क्लब, तो उसमें बना ही नहीं पाई चंडीगढ़ जो भी थी टीम वो, तो जो मैंने बोला चंडीगढ़ क्लब्स, वो चंडीगढ़ क्लब्स नहीं, एक्चुअली चंडीगढ़ क्लब्स है। तो अब मैं बात ही करती हूँ कि उनको मिला था 187 रन का टारगेट, जो कि चंडीगढ़ टीम ने नहीं बनाई, अब वो तो हार गए। वो लोग बीच बीच में स्टार्ट हुआ था ना चंडीगढ़ का गेम, तो वो लोग ऐसे नाच रहे थे जैसे बेटा अब तो मेडल और अब तो ट्रॉफी तुम्हे लेके जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से उनको मुगी खानी पड़ी, तो वो कहते हैं ना कि बहुत चिल्लाओगे, बहुत ऊंचे बनोगे तो गिरोगे उसी बल पे, और वही चीज कुछ ऐसा हुआ चंडीगढ़ टीम के साथ। होप कि वो लोग नेक्स्ट मैच में बहुत ही अच्छे प्रिपेयर करके आए, बहुत सारी अच्छी चीजें हो। करण पटेल ने एक और बात बोली, भाई ये तो मैं कैसे भूल गई, ये बताना, करण पटेल ने एक और बात बोली कि जो भी मुंबई टाइगर्स की टीम में है उसमें से किसी ने तो 500 एपिसोड भी सीरियस में पूरे नहीं किए हैं। यहाँ मैच हो रहा है, सीरियस नहीं चल रहा है, तो मैच और सीरियस दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप
अच्छा मैच खेल सकते हो, अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके सीरियल्स 500 सीरियल्स या एपिसोड पूरे किए हो। ये कहाँ से बीच में आ गया, और इस चीज पे बहुत सारे बवाल भी उठे, बहुत सारे हंगामे भी हुए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पलट पलट वार भी किया। तो आई डोंट नो ये आगे कब तक चलते रहेगा, कितनी सारी टीआरपी होगी। कल भी बहुत सारी लड़ाइयां होने वाली है जयपुर टीम के साथ, तो देखते हैं कल का मैच सेम टाइम पे 8 to 10, और मेरा रिव्यू देखना ना भूले। सो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।